अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, कैसी है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आप सबको खुश और आबाद रखे। वेलकम टू माय चैनल। मैं अपने ब्लॉग का आगाज़ यहाँ से कर रही हूँ कि आजकल सीज़न कुछ इस तरह चल रहा है। इस वक्त बारिश हो जाती है और सुबह धूप निकल आती है, लेकिन इसके साथ साथ ही मेरी बीमारी का सीज़न भी बहुत ज़्यादा तवील हो गया है। मैं बहुत शदीद बीमार हूँ, इसलिए इतने दिन व्लॉग नहीं दे सकी और ना ही आप लोगों से बातचीत कर सकी। ये मैंने छोटी गुड़िया के कपड़े बनवाए थे, तो मैंने कहा कि चलें ये भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ और थोड़ी हेलो हाय भी आपसे कर लेती हूँ। आप सबको सबसे पहले मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और इसके साथ साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह मुझे ज़ियत अदा करे। मैं आजकल बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, एडिसन और यखनी वगैरह और इस किस्म की चीज़ें जिससे मेरा दिल ख़राब होने लगा है। बस कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, और फिर मेरा और आपका रابطہ था वो भी टूटा हुआ है, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हूँ। आप सब से रिक्वेस्ट है एक दफ़ा फिर कि प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिए ताकि मैं भी ठीक हो जाऊँ और रमज़ान के रोज़े भी रखूँ और अपने साथ साथ आप लोगों के लिए भी ढेर सारी दुआएं करूं। वैसे तो मैं करती हूं, लेकिन चूँकि बीमारी मेरी बहुत लंबी हो गई है, काफ़ी दिन हो गए हैं, आज 8वां 9वां दिन है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूं। नन्ही गुड़िया के ये ड्रेसेस माशाल्लाह से बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करूँ। जब उसने पहने हैं तो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। बस इसी किस्म की चंद बातें आपके साथ कर सकती हूँ, क्योंकि व्लॉग दे नहीं सकती, वीडियो बना नहीं सकती। इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। प्लीज़ 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 आप सब मेरे लिए ज़रूर ज़रूर दुआ कीजिएगा ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। आपके साथ एक अच्छी बात भी शेयर कर लेती हूँ कि अच्छी सोच और नीयत वालों को सुकून ढूंढना नहीं पड़ता। उनकी सोच हमेशा निखरी सुबह की तरह उछली और पाकिजा होती है। तो देखिए इनके ड्रेसेस आपको कैसे लगे, और साथ ही आप सबको एक दफ़ा फिर रमज़ान की बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह करे ये रमज़ान तमाम मुसलमानों के लिए बाबरकत साबित हो, और मेरी तरह जितने भी लोग बीमार हैं अल्लाह उन सबको शिफाए कामला अता फरमाए। बेशक मैं बीमार हूँ, लेकिन एक दफ़ा फिर मैं ताज़ादम होकर उठी हूँ। अभी भी मुझे टेम्परेचर है, लेकिन मैंने कहा कि मैं आपसे रब्ता कर लूँ और आपके साथ एक अच्छी सी बात भी शेयर कर लूँ कि मुस्कुराइए और हमेशा अच्छा सोचिए, क्योंकि जब इंसान अच्छा सोचता है तो अल्लाह ताला खुद ब खुद उसके लिए रास्ते खोल देता है। अब सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरी देखिए, रूटीन देखिए, मेडिसिन देखिए, कितनी ढेर सारी मेडिसिन है, कितने ढेर सारे इंजेक्शन हैं जो मैं लगवा चुकी हूँ। और अभी मैंने सुबह थोड़ा सा मुझे आराम आया, तो मैं अब अपने लिए दलिया तैयार कर रही हूँ। ये बहुत अच्छी ग़िज़ा है, ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। जो लोग भी बीमार हैं इससे ताकत भी मिलती है और आप जो है आपकी भूख भी मिटती है। बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं एक जल्द ही ठीक हो जाऊँ और एक अच्छी सी वीडियो तैयार करके आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि हमारा और आपका रिश्ता हमेशा रहना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।